नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। म्यांमार से प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने के लिए घुसे रोहिंग्याओं को भारत सरकार ने खदेड़कर बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरह से जम्मू में 155 रोहिंग्याओं को प्रशासन ने होल्डिंग सेंटर भेजा है, उससे यह साफ हो चुका है कि भारत सरकार की मंशा रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए क्या है। अब यहां कई रोहिंग्या प्रेमी ये कहते हैं कि वो घुसपैठिए नहीं है बल्कि शरणार्थी हैं, यानी रिफ्यूजी हैं। भारत को मानवाधिकार के नाते उन्हें शरण देनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि भारत सरकार ने खुद ये बात कही है कि रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया गया है, ये अवैध अप्रवासी हैं। भारत सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि भारत में 40,000 रोहिंग्या हैं, जिनमें से सिर्फ 16,000 यूएन के शरणार्थी के तौर पर पंजीकृत हैं, तो बाकी 24,000 अवैध रूप से घुसे हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो पता चले हैं, पर अनाधिकारिक तौर पर पता नहीं है कि कितने रोहिंग्या भारत में घुस चुके हैं। लेकिन म्यांमार की नस्लीय हिंसा के बाद वहां से भागे ये रोहिंग्या मुसलमान क्या सिर्फ म्यांमार के उत्पीड़ित मुसलमान हैं जिन्हें मार मार कर म्यांमार से भागने पर मजबूर किया गया? क्या भारत में मानवाधिकार के आधार पर उनको शरण देना और फिर नागरिकता देने की मांग देश के हित में है? रोहिंग्या मुसलमान जो एक खतरनाक नस्ली हिंसा के बाद दरबदर भटक रहे हैं, तो आखिर क्यों दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों में से एक भी अपनी ही कौम के लोगों को शरण देने आगे क्यों नहीं आ रहा? आखिर क्यों भारत सरकार इन्हें अपने देश में शरण नहीं देना चाहती? क्यों उसे लगता है कि ये रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा है? इसे समझने के लिए पहले तो म्यांमार में रोहिंग्या और उनके साथ हुई हिंसा का थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। रखाइन म्यांमार में बांग्लादेश से सटा म्यांमार का एक प्रांत है, जहां ब्रिटिश शासन के दौरान मजदूरों के तौर पर बांग्लादेशियों को लाया गया था और फिर ये वहीं बस गए, जिन्हें रोहिंग्या मुसलमान कहा जाता है। म्यांमार में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है और रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय था, लेकिन रोहिंग्याओं की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी और ये जनसंख्या बढ़ती देखकर म्यांमार के जनरल ने विन की सरकार ने 1982 में म्यांमार यानी तब के बर्मा का राष्ट्रीय कानून लागू कर दिया और इस कानून के तहत रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर दी गई। जब तक वहां सैन्य शासन था तब तक रोहिंग्या खामोश रहे, लेकिन 2012 में यानी वहां लोकतंत्र आने के साल भर बाद ही रखाइन प्रांत में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। जून 2012 में रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों ने एक बौद्ध महिला का बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दी और इसके बाद शांतिप्रिय माने जाने वाला बौद्ध समुदाय इतना भड़क गया कि वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो गए, जिसमें 200 रोहिंग्या मुसलमान मारे गए। और इसके बाद इस तरह के सांप्रदायिक दंगे 2013-2014 में भी हुए, जिसमें बौद्ध और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच काफी तनाव हो गया। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रोहिंग्या मानवाधिकार का एक समूह था जिसने ये बताया है कि हिंसा की शुरुआत रोहिंग्या ने ही की थी। रखाइन बौद्धों ने यह भी कहा था कि रोहिंग्या मुख्य रूप से दोषी हैं। मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब रोहिंग्याओं की रक्षा करने वाली मुस्लिम उग्रवादी संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी ARSA ने हिंसा करनी शुरू कर दी और म्यांमार के सुरक्षा बलों और पुलिस चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। इन्होंने 2016 में 20 से ज्यादा पुलिस वालों को मार डाला, जिसके बाद म्यांमार आर्मी ने ARSA को जड़ से मिटाने के लिए सफाई अभियान चलाया, जिसके बाद 5,00,000 रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए। ARSA को म्यांमार सरकार एक आतंकवादी संगठन मानती है और जिसका नेता अताउल्लाह पाकिस्तानी मूल का है और सऊदी अरब में रहता है। इस आतंकवादी संगठन के ज्यादातर लोग सऊदी अरब में ही रहते हैं। जब म्यांमार में पुलिस वालों और सुरक्षा बलों पर हमले शुरू हो गए तो वहां की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों का नरसंहार शुरू कर दिया और उनके गांव के गांव जला दिए, जिसके बाद लाखों की संख्या में ये भाग कर बांग्लादेश पहुंचे और वहां से कुछ मलेशिया, इंडोनेशिया और कुछ भारत में घुस गए। कहा जाता है कि करीब 1,00,000 रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली। वहां की सरकार ने कॉक्स बाजार में उनके लिए रेफ्यूजी कैंप्स भी बनाए, लेकिन फिर उस इलाके से रोहिंग्याओं के भागने, हिंसा, ड्रग्स और मानव तस्करी के अपराध बहुत तेजी से बढ़ गए। इतनी बड़ी संख्या में आए रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के लिए मुसीबत बन गए, यानी जिस देश ने शरण दी वहीं इन्होंने अपराध करने शुरू कर दिए। इसके अलावा बांग्लादेश की चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई जब पता चला कि करीब 40,000 महिलाएं गर्भवती हैं। तेजी से बढ़ती उनकी जनसंख्या ने यूएन को भी चिंता में डाल दिया था।
तो बांग्लादेश की सरकार ने सैकड़ों की संख्या में शरणार्थियों को उनकी मर्जी के बिना वहां से दूर एक द्वीप भाषण चौर वहां भेजना शुरू कर दिया, और इन्हीं में से कई रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते भारत में भी घुसे थे। रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त भारत में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR और राजस्थान में रहते हैं। 2012 की म्यांमार हिंसा के बाद दिल्ली में शाहीन बाग और मदनपुर खादर में करीब 1200 रोहिंग्या शिविरों में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा रोहिंग्या करीब 6000 जम्मू कश्मीर में हैं। ये रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में देश विरोधी ताकतों और अलगाववादियों की मदद से बसे थे, लेकिन 370 हटने के बाद से इन्हें यह महसूस हो गया था कि इनकी धरपकड़ का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इनमें से कई तो आसाम और बंगाल भाग गए हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश भर के कई मुस्लिम संगठन और लिबरल, सेकुलर और लुटियन मीडिया भारत सरकार के रोहिंग्याओं के लिए उठाए जा रहे कदमों की आलोचना कर रहे हैं। उनको तकलीफ है कि वो भारत जो लाखों शरणार्थियों को शरण देता है, वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए इतना कठोर दिल क्यों है। भारत सरकार का रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर हमेशा से यही कहना है कि इन्हें यहाँ नहीं बसाया जा सकता, यानी नागरिकता नहीं दी जा सकती। इनकी पहचान करके इन्हें निर्वासित यानी वापस भेजा जाएगा। सरकार ने इसकी वजह 2017 में सुप्रीम कोर्ट में भी अपने हलफनामे में बताई थी। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध अप्रवासी बताया था और ये भी कहा था कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने यह कहा था कि म्यांमार के रोहिंग्या लोगों को देश में रहने की अनुमति देने से भारतीय नागरिकों के हित प्रभावित होंगे और तनाव पैदा होगा। गृह मंत्रालय ने कोर्ट में साफ साफ लिखित में बताया था कि सरकार को देश के व्यापक हितों में फैसला लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार ने यह भी कहा था कि कुछ रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं जो जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात क्षेत्र में अधिक एक्टिव हैं। इन इलाकों में इनकी पहचान भी की गई है। सरकार ने आशंका जताई थी कि कट्टरपंथी रोहिंग्या भारत में बौद्धों के खिलाफ भी हिंसा फैला सकते हैं, क्योंकि बौद्धों से उनको नफरत है। सरकार ने यह भी कहा था कि खुफिया एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि इनका संबंध पाकिस्तान के अलावा कई और देशों में एक्टिव आतंकवादी संगठनों से है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं। भारत सरकार की रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आशंकाएं बेवजह नहीं थी। PFI की मदद से चल रहे कई NGOs के बारे में IB को सबूतों के साथ ये जानकारी मिली है कि ये गैर कानूनी तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज बनवाते हैं, और फिर ये यही लोग हैं जो शाहीन बाग में बैठकर नारे भी लगाते हैं कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। साथ ही ये भी पता चला है कि भारत में ये रोहिंग्या मुसलमान उन्हीं जगहों पर अपने ठिकाने बना रहे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद ख़ास हैं। तो आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? इसीलिए भारत ने 2017 से ही इनकी पहचान शुरू कर दी थी और जम्मू में 150 से ज़्यादा जो रोहिंग्या मुसलमानों को होल्डिंग सेंटर भेजकर कार्रवाई की गई है, वो इसी का हिस्सा है। रोहिंग्याओं पर की गई ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे रोहिंग्या जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम में भी हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में इसी तरह की कार्रवाइयों से गुजरना होगा और जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें वापस भेजने की तैयारी की जाएगी। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि भारत इन रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार भेजेगा या फिर बांग्लादेश में भेजेगा, क्योंकि म्यांमार इन्हें अपना नागरिक मानता ही नहीं है। रोहिंग्याओं को भारत में बसाने के लिए जो रोना रोने वाले मुस्लिम संगठन हैं, उनको भारत सरकार को कोसने के बजाय अपने उन 57 इस्लामिक देशों से भी तो सवाल पूछना चाहिए जो इस्लाम का झंडा लेकर चलते हैं और मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, कि क्यों उनमें से एक भी देश ने इन प्रताड़ित, उत्पीड़ित, बेसहारा रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया, आगे नहीं आए। अरब देश तो बेहद अमीर भी हैं, लेकिन फिर भी अपने ही मुसलमान भाइयों को शरण क्यों नहीं दे रहे? वहीं से तो इस्लाम की शुरुआत भी हुई थी। रोहिंग्या क्या, उन्होंने तो सीरिया के लोगों को भी शरण नहीं दी थी, यूरोपीय देशों ने उन्हें शरण दी थी। आखिर क्यों बेसहारा मुसलमानों को हमेशा गैर मुस्लिम देश ही शरण देते हैं? इसकी वजह है कि मानवाधिकार जैसी बातों में इन इस्लामिक देशों का कोई भरोसा है ही नहीं। ये अमीर अरब देश सिर्फ कमजोर का शोषण करना जानते हैं। साथ ही वो जानते हैं कि इन शरणार्थियों में, जो कि कई लोग अनपढ़ हैं, कुछ हत्यारे भी हैं, कुछ बलात्कारी भी हैं, कुछ जिहादी भी हैं,
और इस्लामिक देश ऐसे लोगों का ना तो साथ देता है और ना ही देगा। लेकिन इन देशों के नाम पर उछलने वाले मुसलमानों में से क्या कोई पूछेगा कि आप इस्लामिक देश होकर भी अपने ही बेसहारा और ज़रूरतमंद मुस्लिम कौम के लोगों की मदद क्यों नहीं करते? क्या पाकिस्तान जैसा देश जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आंसू बहा रहा है लेकिन सहारा नहीं दे रहा, क्या कभी चीन से पूछेगा कि हमारे मुस्लिम उइगर भाइयों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? तो फिर भारत पे ही ये दबाव क्यों बनाते हैं, ये जानते हुए भी कि इस तरह के उत्पीड़ित मुसलमानों पर सबसे पहले उन आतंकी संगठनों की नजर रहती है जो भारत में अराजकता फैलाने के लिए इन लोगों के बीच जिहादियों के टैलेंट हंट के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं। और ये खबरें लगातार आ रही हैं कि कई रोहिंग्या मुसलमान हैं जो आतंकवादी संगठनों के संपर्क में हैं। इसकी जानकारी आईबी को मिल चुकी है और उसी के बाद ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई थी और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरा, भारत अपनी सुरक्षा को ताक पर रखकर कभी भी इस तरह की शरणार्थियों को शरण देने की किसी नीति के तहत कानूनी और संवैधानिक तौर पर बाध्य नहीं है, और ना ही देश की बीजेपी सरकार को मुस्लिम तुष्टिकरण का लालच है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरह रोहिंग्याओं को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करे, जैसा कि पुरानी सरकारें लगातार करती रही हैं। इसलिए भारत सरकार रोहिंग्याओं को लेकर सख्त है और वो सख्त रहेगी, और नागरिकता उनको यहाँ नहीं मिलेगी, उन्हें निर्वासित किया ही जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।